श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका स्वागत करता हूं। ये आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आप लोगों के लिए धर्म तथा ज्योतिष से विशेष जानकारी को लेकर आता है। आज हम बात करेंगे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य को उत्तम करने का उपाय, और वह उपाय तो मानो आपके सामने में आके खड़ा है। जी हां, षष्ठी व्रत, जो व्यक्ति षष्ठी के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे, उसकी जन्म कुंडली में सूर्य से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। यानी सूर्य के कारण व्यक्ति की प्रतिष्ठा, मान सम्मान तथा आयु में कमी होती है। व्यक्ति आरोग्यता को प्राप्त नहीं कर पाता, वह रोगी हो जाता है। उसके शरीर में इंफेक्शन, चर्म रोग इत्यादि बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। सूर्य यदि उत्तम हो तो आपको सरकारी जॉब भी मिलता है, आपके नाम तथा प्रतिष्ठा में भी आपकी वृद्धि होती है। तो इसके लिए आपको सूर्य को उत्तम करना होता है। तो सहज उपाय है, आप षष्ठी के दिन डूबते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय का पाठ करें या सूर्य का जो स्त्रोत्र है उसका पाठ करें। आदित्य प्रथमम नाम, द्वितीयम तु दिवाकर, तृतीयम भास्कर, चतुर्थम तु प्रभाकर, पंचमं सहस्रांशु, षष्ठम च पितृलोचनः, सप्तम हरिदष्टश्च, हृदयाष्टम च विभावसु, नवमं दीन प्रोक्तम च, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशम त्रयोदशमूर्ति, द्वादशम सूर्येव च। इस मंत्र का संध्या काल में तथा प्रातः काल में पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें तथा एही सूर्यो सहस्रांशो तेजोरा जगतपति अनुकंपया मानवक्त्या गृहनाय दृभाकरा, यानी इस मंत्र को पढ़ सूर्य को अर्घ दे। ऐसा करने से सूर्य प्रसन्न होंगे और आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाएगा, आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, और व्यक्ति की आत्मविश्वास में वृद्धि होता है तो वह जीवन रूपी चक्र में विजयी यूं ही हो जाता है। तो मैंने बताया सूर्य को कैसे उत्तम किया जाए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती पते।